इज़राइल, जिसे प्राचीन काल से ईश्वरीय वरदान की भूमि कहा जाता है। भारत, संभावनाओं की भूमि। इन दो राष्ट्रों में बहुत समानताएं हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन सभ्यताएं और भाषाएं जो प्राचीन काल में ही विकसित हो गई थीं। वो राष्ट्र जिनके पवित्र शहर कई शताब्दियों से लगातार बसे हुए हैं, जिनकी सांस्कृतिक विविधता संपूर्ण विश्व के लिए एक अनुपम उपहार है। वो राष्ट्र जो शताब्दियों से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। भारत और इज़राइल ने सन 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। इज़राइल के राष्ट्रपति आइज़ा वाइसमन ने और इसके बाद प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने भारत का दौरा किया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान मिले थे। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने इज़राइल का ऐतिहासिक दौरा किया। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था और इजरायली संसद नेसेट में उनके संबोधन को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा गया था। हाल ही में इज़राइल के राष्ट्रपति रूवन रेवलिन ने भारत की एक राजकीय यात्रा की। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इज़राइल के बीच मंत्री स्तर पर अनेक बैठकें हुईं। We are partnering in enhancing agriculture productivity and efficiency, boosting research and innovation, employing applications of science and technology, forging strong trade links, building defense ties and enhancing people-to-people ties. भारत और इज़राइल के बीच रक्षा के क्षेत्र में एक लंबे समय से शक्तिशाली भागीदारी है। ये सहयोग अब मेक इन इंडिया अभियान के तहत संयुक्त विकास और उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत हुआ है। 26/11 की घटनाओं ने दोनों देशों को एक दूसरे के जख्म भरने और मदद करने का मौका दिया। बेबी मौशे की भारतीय नैनी सांड्रा सैमुअल उसे आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षित निकाल के लाई और आज भी उसकी देखभाल कर रही है। दोनों देश अनुसंधान, विकास और तकनीकी खोज के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। 2002 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौते के तहत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग करने का निर्णय लिया। भारत और इज़राइल उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। फरवरी 2017 में पहला इजरायली नैनो उपग्रह BGU-SAT भारत के इसरो द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। भारत और इज़राइल कृषि क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फसल विविधीकरण, बढ़ती उपज और जल प्रबंधन के क्षेत्र में इज़राइल की विशेषज्ञता भारत के लिए बहुमूल्य है। इस सहयोग में कृषि उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से बागवानी मशीनीकरण, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई और उर्वरक शामिल हैं। वर्तमान में विभिन्न भारतीय राज्यों में 15 उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं। व्यापार अक्सर देशों के बीच बढ़ते सहयोग और दोस्ती का सबसे सटीक मानक और रास्ता होता है। 1992 में भारत और इज़राइल के बीच सिर्फ 20 करोड़ अमेरिकन डॉलर का मामूली सा द्विपक्षीय व्यापार था। आज ये 416 करोड़ अमेरिकन डॉलर से अधिक है और अभी भी बढ़ रहा है। इन आंकड़ों में रक्षा क्षेत्र के व्यापार शामिल नहीं है। इस द्विपक्षीय व्यापार में आधे से अधिक हिस्सा हीरे के व्यापार का है। हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार हुआ है, जैसे दवाइयों, कृषि, आईटी, धातु, रसायन,
और परिवहन उपकरण। 2012 में एक भारतीय कंपनी जैन इरिगेशन सिस्टम्स ने इजरायली सिंचाई कंपनी नान डैन का अधिग्रहण किया। ये इसराइल में एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है। भारत को मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं वाले एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। कई युवा इजरायली पर्यटकों के लिए भारत एक विशेष स्थान रखता है। अनुमान के अनुसार लगभग 35 से 40 हजार इजरायली युवा भारत में हर साल इसके प्राचीन इतिहास और विशिष्ट अलौकिक संस्कृति के कारण देखने के लिए आते हैं। इसी तरह भारतीय भी इसराइल की यात्रा करते हैं। हर साल लगभग 40,000 भारतीय धार्मिक पर्यटन यात्रा के लिए इसराइल जाते हैं। इसराइल में 85,000 यहूदी भारतीय मूल के हैं। इनमें से अधिकांश महाराष्ट्र, केरल, कोलकाता और उत्तर पूर्वी राज्यों से आए हैं। इसके अलावा लगभग 12,500 भारतीय नागरिक आज इसराइल में रहते और काम करते हैं। भारत इसराइल के साथ संबंधों को लगातार घनिष्ठ और मजबूत बना रहा है। हाल के वर्षों में अनेक इजरायली नागरिकों को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। योग ने कई इजरायलियों के जीवन और दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है। योग के लाभ को देखते हुए इजरायल में इस शताब्दियों पुरानी भारतीय स्वास्थ्य पद्धति का प्रचलन बढ़ा है। इजरायलियों में बॉलीवुड, नृत्य और संगीत के लिए आम प्यार भी राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत कर रहा है। इजरायल और भारत दोनों के लिए भविष्य उज्जवल दिखता है। President Rivlin and I deeply value our strong and growing partnership to secure our society. भारत इज़राइल मैत्री अमर रहे।